मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 6 एंड 7, चैप्टर 1, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये 6 एंड 7 की इसलिए है क्योंकि ये क्लास 6 एंड 7 में दोनों चैप्टर्स जो हैं वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का ही सेम चैप्टर साथ लिए हैं। आज की टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है। तो कंप्यूटर की कुछ विशेषता आपके यहाँ पे है, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सटाइल, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, रिडक्शन इन मैन पावर, पेपर वर्क इज रिड्यूस। एक बार मैं फिर से आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर बता दे रहा हूँ, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सटाइल, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, रिडक्शन इन मैन पावर, पेपर वर्क इज रिड्यूस्ड। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये क्या होते हैं। तो स्पीड जो होते हैं वो होती है गति। कंप्यूटर वर्क्स एट इनॉर्मस स्पीड विदाउट एनी मिस्टेक। कंप्यूटर जो वर्क करते हैं वो बहुत ही तेज करते हैं बिना किसी गलती की। ये हम ह्यूमन बीइंग से भी काफ़ी तेज काम करते हैं। एक्यूरेसी होती है शुद्धता। कंप्यूटर नाइदर गेट्स टायर्ड, सॉरी कंप्यूटर इन एक्यूरेट इन रिजल्ट। कंप्यूटर जो हैं वो हमेशा सही उत्तर देते हैं। शुद्धता इनकी जो होती है, इनकी गलत करने की ना के बराबर होती है, ये हमेशा सही उत्तर ही आपको देते हैं। ये किसी भी तरह से आपकी कैलकुलेशन, जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होते हैं, बहुत ही कैलकुलेटेड, लेकिन आप ये गलत कभी भी नहीं करते हैं। डिलीजेंस जो होती है वो होती है आपकी लगन। कंप्यूटर नाइदर गेट्स टायर्ड नॉट बोर्ड ड्यूरिंग डूइंग द सेम टास्क एज ह्यूमन बीइंग डस। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, कभी भी बोर नहीं होता है काम करते करते। जब तक आप इसे इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तब तक ये आपके लिए वर्क करता रहेगा। वर्सटाइल, बहुमुखी, मतलब कि एक तरह से आपके लिए मल्टी मीडिया। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ डूइंग वेरियट, कि आप एक साथ कई भी काम कर सकते हैं। कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं तो आप साथ में उसमें गाना बजा सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपकी बहुमुखी है, वर्सटाइल है कि आप एक समय में कई सारे काम इसमें कर सकते हैं। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर्स में आपके डेटा को स्टोरेज करने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में आपको स्टोरेज करने की कैपेसिटी देते हैं, जो कि आपकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। रिडक्शन इन मैन पावर, कंप्यूटर की वजह से जो जॉब्स में जो वर्कर होते हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। सबका वर्क कंप्यूटर अपने पे ही लोड ले लिया है, ताकि तो मैन की ज़्यादा जरूरत यहाँ पे पड़ती नहीं है कंप्यूटर के, कंप्यूटर जब से आ गया है। लास्ट आपका टॉपिक है पेपर वर्क इज रिड्यूस्ड। पेपर वर्क इज रिड्यूस्ड, जैसे कि पहले की जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स रखते थे वो पेपर के रूप में रखते थे, पेपर होते थे उस पर हम लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करके स्टोरेज करके रखते थे। लेकिन जब से कंप्यूटर आ गया हम लोग डिजिटल के फॉर्म में अपने डेटा को स्टोरेज करके रखते हैं। अगर पेपर के वर्क रखते हैं तो पेपर कभी भी खो सकता है या फट सकता है, लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर हमारे जो कंप्यूटर्स में जो डेटा स्टोर करते हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए सेव रहते हैं, जब तक हम उसमें कंप्यूटर से डिलीट ना करें। दैट्स ऑल फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। स्टे होम।